राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत सरकार गिग वर्कर्स के लिए बिल लेकर आएगी। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों अपने बजट भाषण में इस बिल पॉलिसी को लेकर एक बड़ी घोषणा की थी। सीएम गहलोत ने गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना के साथ साथ 200 करोड़ रुपए की राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर व डेवलपमेंट फंड के गठन की घोषणा की थी। उसके बाद से इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक अब इसको लेकर गहलोत सरकार जल्द विधानसभा का एक छोटा सेशन बुला सकती है। उसमें सरकार गिग वर्कर्स वेलफेयर बिल 2023 ला सकती है। इसके साथ ही सत्र में जवाबदेही कानून समेत कुछ अन्य विधेयक भी लाए जा सकते हैं। चूंकि इस साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा गहलोत सरकार गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा दाव खेल सकती है। दरअसल राहुल गांधी ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर जिले के मालाखेड़ की सभा में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही थी। तब राहुल गांधी ने कहा था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपील करना चाहते हैं कि जहां जहां कांग्रेस सरकार है वहां गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रावधान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज।